हेलो फ्रेंड्स, आज ऐप स्क्रिप्ट में हम ये सीखेंगे कि किसी भी सेल की वैल्यू डेट है या नहीं उसको कैसे पता लगा जाता है। तो स्वागत है दोस्तों गूगल शीट ऐप स्क्रिप्ट के वीडियो सीरीज में। मेरे पास ये डेटा है एंड इस डेटा में वैल्यू है एंड मुझे ये पता लगाना है ये सेल डेट है या नहीं है। बेसिकली मैं ये करना चाहता हूँ कि जो भी हमारा डेटा है उसका टाइप क्या है वो हम आज कैसे पता कर सकते हैं वो सीखेंगे। जैसे टाइप में एग्जांपल एक हो सकता है कि नंबर है, एक हो सकता है कि स्ट्रिंग है, और डेट, डेट ऑब्जेक्ट तो है ही, वो आज सीखेंगे हम। वैसे गूगल शीट में एक तरीका है कि मैं यहीं पे फॉर्मल लिखूं इस डेट का, इस डेट एंड यहाँ पे जो भी आर्गुमेंट है जिसको चेक करना है उसको एंटर कर दूंगा एंड ये मुझे अपने आप बता देगा कि ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है मतलब कि ये जो A1 की वैल्यू है ये डेट के फॉर्मेट में है, यानी कि ये डेट है एक। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं नाम, नंबर, सिंबल इस यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है। एंड 06.06.2002 ये भी डेट की फॉर्म में नहीं लेता है। तो इसे हम आज ऐप स्क्रिप्ट में कोड लिख के करेंगे एंड साथ ही उसका क्या टाइप है, इन डेटा का टाइप क्या है वो भी मैं यहाँ पे कोड के थ्रू पता लगाऊंगा। तो चलिए अपना स्क्रिप्ट एडिटर खोलते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम देते हैं इस डेट। सबसे पहले मैं आपको टाइप ऑफ का यूज करना सिखाऊंगा कि किसी भी डेटा का टाइप जानने के लिए हम कोड कैसे लिख सकते हैं। एक वेरिएबल लेता हूं, वेरिएबल डेटा, इसकी वैल्यू डाल देता हूँ कोई नंबर एंड लॉगर में मैं मुझे टाइप ऑफ डेटा चाहिए। सिंपली टाइप ऑफ लिखेंगे एंड स्पेस किस डेटा का टाइप चाहिए उस डेटा का नाम वेरिएबल यहाँ पे डाल देंगे। कोड को रन किया मैंने एंड लॉग को कॉल करते हैं एंड लॉग ने उसका टाइप नंबर शो कर दिया है। इसको मैं डेटा वन कर देता हूं एंड डेटा टू में हम लेते हैं वेरिएबल डेटा टू कोई भी स्ट्रिंग लेते हैं। सपोज मैं एक नाम ही लेता हूं पेरिस एंड यहां पे मैं उसका टाइप डिटरमाइन करता हूं, टाइप ऑफ लिखेंगे डेटा टू। कोड को रन करेंगे एंड लॉग्स को चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं डेटा वन में हमारा नंबर था तो उसका टाइप नंबर दिया है इसने एंड डेटा टू में हमारा पेरिस यानी कि स्ट्रिंग था तो उसको टाइप में उसने स्ट्रिंग दिया है। चलिए कुछ और टाइप ऑफ वेरिएबल डिफाइन करते हैं। डेटा थ्री सपोज मैं सिंबल डिफाइन करता हूं, वेरिएबल एक डेट डिफाइन करते हैं, डेट इज इक्वल टू न्यू डेट एंड कुछ भी डालते हैं 05.05.06 एंड 2020 एंड इन चारों डेटा का हम टाइप लॉगर में लॉग कर लेते हैं। टाइप ऑफ डेटा 3 कॉमा टाइप ऑफ डेट, यहाँ पे डेट हमारा ऑब्जेक्ट है तो लॉगर हमें उस डेट का टाइप एज ए ऑब्जेक्ट शो करेगा। आइए चेक करके देखते हैं। लॉग को कॉल करेंगे, ये देख रही है डेटा वन नंबर है, डेटा टू हमारा जो पेरिस है वो भी स्ट्रिंग है, डेटा थ्री हमारा जो सिंबल है उसको भी एज ए स्ट्रिंग लेता है ये एंड डेट जो हमारा वो ऑब्जेक्ट है तो लॉगर ने हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट शो किया है। ये तो हुआ दोस्तों कि हमारे पास डेटा है एंड उसका टाइप हमें जानना है वो कैसे जानेंगे, तो उसका मैंने तरीका बता दिया है। बट अगर हमें ये जानना है कि डेटा हमारे पास जो है वो डेट है या नहीं, उसके लिए मैं अपने इस स्प्रेडशीट को कॉल करूंगा एंड एक एक करके पता लगाऊंगा कि ये डेटा हमारा डेट है या नहीं। अगर डेट है तो ये ट्रू आएगा यहाँ पे एंड डेट नहीं है तो फॉल्स आएगा एंड उसका टाइप क्या है वो भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे।
तो आइए मैं इसको कमेंट में डाल देता हूँ। एंड अपनी स्प्रेडशीट ऐप को कॉल कर लेंगे। गेट एक्टिव स्प्रेडशीट, देन गेट एक्टिव शीट। इसको वेरिएबल दे देते हैं वेयर एसएस। एक मैं फॉर लूप लूंगा ताकि मैं इन डेटा को एक्सेस कर सकूं। फॉर लूप मेरा ए टू सेल से ए एट सेल तक चलेगा, मीन्स आई की वैल्यू मेरी जो पैरामीटर होगी वो 2 से 8 तक होगी। तो फॉर वेयर आई इक्वल टू 2, आई लेस देन इक्वल टू 8, आई आई प्लस प्लस। तो मुझे यहाँ करना क्या है कि पहले मैं इसकी वैल्यू एक्सेस करूँगा, डेटा की वैल्यू, इसका हम डेटा कर देते हैं, डेटा की वैल्यू एक्सेस करूँगा मैं। तो उसके लिए मैं वेयर एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, वेरिएबल डेटा इक्वल टू एसएस डॉट गेट रेंज। रेंज हमारी हो जाएगी यहाँ पे आई कोमा, ये हमारा ए कॉलम है यानी 1, तो आई कोमा 1 हो जाएगा। डॉट गेट वैल्यू, एंड एक और वेरिएबल डिफाइन करूंगा मैं, वेरिएबल इज डेट। मुझे डेट चेक करना है कि इसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, तो उस वेरिएबल के अंदर मैं इस ट्रू फॉल्स की वैल्यू को स्टोर कर लूंगा। उसके लिए मुझे यूज करना है, इस डेटा को चेक करना है, तो मैं टाइप करूंगा डेटा, एंड क्या ये डेट है उसके लिए हमारे पास फंक्शन या कमांड अवेलेबल है, इंस्टेंस ऑफ। एंड इंस्टेंस ऑफ व्हाट? इंस्टेंस ऑफ डेट। तो यहाँ पे मैं डेट चेक करूंगा, अगर मुझे कुछ और लिखना है तो मैं यहाँ पे डेट के बदले कुछ और लिखूंगा, तो वो उसके हिसाब से ट्रू फॉल्स वैल्यू दे देगा। एंड मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करूंगा इस टाइप के लिए, वेरिएबल टाइप इक्वल टू, यहाँ पे आप सिंपली लिख देंगे टाइप ऑफ डेटा, डेटा का जो टाइप है वो टाइप वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। एंड इस डेट की वैल्यू मुझे यहाँ पे स्टोर करके रखनी है, तो उसके लिए मैं कॉल करूँगा अपने रेंज को ss डॉट गेट रेंज। यहाँ पे हमारा रेंज हो जाएगा आई कोमा 2 डॉट सेट वैल्यू, उसकी वैल्यू सेट करनी है मुझे इस डेट, ट्रू और ट्रू या फॉल्स। सिमिलरली मुझे अपने थर्ड कॉलम में भी उसका टाइप स्टोर करना है, तो मैं लिखूंगा ss डॉट गेट रेंज आई कोमा 3, इसकी वैल्यू कर दूंगा सेट वैल्यू टाइप, जो भी टाइप है वो उसकी वैल्यू वहां स्टोर हो जाएगी। इसको भी मैं कमेंट में कर देता हूँ, आइए कोड रन करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। उससे पहले कुछ ऑथराइजेशन देने होंगे, ऑथराइजेशन दे दिए मैंने, एंड फंक्शन रन हो रहा है, फंक्शन सक्सेसफुली रन हो चुका है। आइए चेक करते हैं हमारे गूगल शीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं जो डेट है हमारा उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसने इसको ट्रू कर दिया है, जो डेट नहीं है हमारा उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसने फॉल्स कर दिया है, एंड उस डेटा का क्या टाइप है वो भी यहाँ पे इसने शो कर दिया है। तो इस तरीके से आप टाइप ऑफ एंड इंस्टेंस ऑफ का यूज कर सकते हैं अपने कोड में। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, एंड मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें सो दैट सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें।
थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।